नमस्कार, स्वागत है आपका आरबीएम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मात्र ऋण चुकाना है, गोमाता को कूड़ेदान से हटाना है। जी हाँ, ये नारा है इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ का और इस संस्था के संस्थापक डॉक्टर संजीव अरोड़ा गंगापुत्र का। गोमाता की सुरक्षा के लिए उठी चिंगारी अब पूरे देश में क्रांति का रूप लेने जा रही है। जी हाँ, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, देश का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ गोमाता को कूड़ेदान में ना देखा जा सके। और इसी के खिलाफ डॉक्टर संजीव अरोड़ा गंगापुत्र ने अपनी मुहिम छेड़ रखी है और इसका नतीजा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लिया गया फैसला, जिसमें गोमाता के लिए शेल्टर होम बनाने की बात कही गई है। पेश है आरबीएम न्यूज इंडिया की खास खबर। आज इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने द्वारका विधानसभा में कैंडल मार्च निकाला है। जैसा कि हमारी मांग 14 नवंबर से शुरू हुई थी और आज 25 दिसंबर हुआ है, लगातार हम दिल्ली के अंदर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो सड़कों पे गायें घूम रही हैं लावारिस और जो कूड़ेदान में कूड़ा खा रही हैं गायें, उनको गौशाला तक पहुंचाया जाए, सड़कों से गायें हटाई जाए। आज इस मांग को लेके हमने द्वारका विधानसभा में अपना 6ठा कैंडल मार्च निकाला है और आज हमारा था कि आज हमने इसको ख़त्म करना है, समाप्त करना है, पर इंद्रप्रस्थ संजीवनी की पूरी टीम ने ये तय करा है जब तक सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाएगी और हमें कोई आश्वासन नहीं देगी और सड़कों से गाय नहीं हटाएगी, तब तक हम कैंडल मार्च दिल्ली में निकालते रहेंगे। हर विधानसभा में कैंडल मार्च निकाली जाएगी और अभी ये शांतिपूर्ण ढंग से है और हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ही सरकार हमारी बात को मान ले और जो सड़कों पे गाय हैं उसको तुरंत गौशाला तक पहुँचाए। सर, आपका जो अभियान है वो पूरे देश में फैल रहा है धीरे धीरे, तो काफ़ी जैसे दिल्ली से बाहर की भी जो शहर है वो भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं और आपके साथ में साथ देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वहाँ के लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने 14 तारीख को जो एक जोत जलाई थी दिल्ली के अंदर गौ माता के लिए, आज वो मशाल का काम कर रही है और पूरे देश में अगर लोग इस मांग को लेके सड़कों पे उतरेंगे और इस मांग को लेके सरकार तक जाएंगे तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो ये अभियान है सफल हुआ है। और अभी इंद्रप्रस्थ संजीवनी लगातार दिल्ली में हर विधानसभा में कैंडल मार्च भी निकालेगी, हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे और हस्ताक्षर जो हम राष्ट्रपति जी को भी जाके देंगे, अपने सांसदों से भी जाके हम अपील करेंगे कि जो सड़कों पर गायें लावारिस घूम रही हैं, कूड़ेदान में कूड़ा खा रही हैं, उनको तुरंत गौशाला तक पहुँचाया जाए। जब देश में इतनी गौशालाएं हैं तो सड़कों पे गायें क्यों हैं? हमारा प्रश्न सबसे पहले सरकार से ये है और सरकार जब गौशालाओं को इतना डोनेशन देती है, हम लोग सब डोनेशन देते हैं गौशाला को, तो फिर सड़कों पे गायें क्यों हैं? तो इंद्रप्रस्थ संजीवनी तब तक नहीं बैठेगी जब तक सड़कों से गायें हट ना जाए। दिल्ली से संवाददाता अरुण कौशल की रिपोर्ट, आरबीएम न्यूज इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आरबीएम न्यूज। नमस्कार।